सो हे गाइस, आपका आज की इस वीडियो में मोस्ट वेलकम। और ये बात मैं बहुत ही कम वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल और इन्फॉर्मेटिव हो सकता है। और ये आप सबको मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको शायद नहीं पता चला होगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग एक मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन का वेट कर रहे होंगे, और आज का वीडियो उसी स्मार्टफोन के ऊपर होने वाला है। गाइस, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला है कि आज हम किस स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं, वैसे आपको पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम सैमसंग के अपकमिंग न्यू सैमसंग गैलेक्सी F63 के बारे में बात करने वाले हैं, और जानेंगे इसकी प्राइसिंग, फुल स्पेसिफिकेशन और लॉन्च डेट के बारे में भी। तो गाइस, आप भी एक्साइटेड हैं इस स्मार्टफोन को लेकर, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर भी आपको सैमसंग F62 की तरह एक बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिया जाएगा। 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले होने वाला है, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इस फोन में आपको एक पंच होल डिस्प्ले और कॉर्निंग गोरिल्ला 5 का प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा। तो ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, और डिस्प्ले में कंटेंट कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस भी काफ़ी कमाल का होगा। उसके बाद गाइस, अगर हम इस फोन के परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो गाइस इस बार इस फोन में आपको MediaTek की तरफ से MediaTek Dimensity 920 का चिपसेट मिल सकता है। दोस्तों, ये काफ़ी पावरफुल चिपसेट है, जो इससे पहले इंडिया के अंदर और ग्लोबली बहुत सारे स्मार्टफोन में देखा है। ये एक काफ़ी बैलेंस चिपसेट है, जहां पर परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है और बजट के अंदर 5G भी मिलता है। इस फोन के साथ आपको 3 रैम वेरिएंट दिए जाएंगे, 6/128GB, 8/128GB और 8/256GB स्टोरेज वेरिएंट। इस फोन में वन यूआई भी मिलने वाला है, जहां पर हमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, और एक क्लीन यूआई इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। और साथ ही में आपको इस फोन में एंड्रॉइड 13 भी मिलने वाला है। तो ओवरऑल आपको यूआई एक्सपीरियंस काफी कमाल का मिलेगा, और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी मिलने वाली है इस फोन में। उसके बाद हम बात करें इस फोन के कैमरास के बारे में, तो पीछे की साइड इस बार आपको इस फोन में क्वाड रियर कैमरास दिए जाएंगे, जहां पर मेन सेंसर 108MP का होगा, और सैमसंग की तरफ से आपको मेन सेंसर मिल सकता है। इस फोन में आपको 12 या 8MP का वाइड एंगल लेंस, 2MP का डेप्थ और 2MP का माइक्रो सेंसर भी दिया जाएगा, और 32MP का एक सेल्फी कैमरा मिलने वाला है, जो कि सेंटर पंच होल डिस्प्ले के साथ आने वाला है। तो कैमरास ओवरऑल अच्छे मिलेंगे, और गाइस सैमसंग के कैमरास हमें जनरली अच्छे मिलते हैं बजट के अंदर। तो ओवरऑल इस फोन में आपको अच्छे कैमरे दिए जाएंगे। बाकी 5000mAh की बैटरी, 25W की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। दोस्तों, ओवरऑल ये कुछ फीचर हमें सैमसंग के अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी F63 स्मार्टफोन में मिलने वाले हैं, जो कि अभी इंडिया के अंदर गाइस बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर हम इस फोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की बात करते हैं, तो गाइस ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फोन का प्राइसिंग अराउंड 23 से 25 हज़ार के बजट में हो सकता है। और गाइस, ये स्मार्टफोन 2023 के फरवरी तक जो है लॉन्च होने वाला है। बाकी दोस्तों, कोई भी अपडेट आता है इस फोन के रिगार्डिंग, तो मैं आपको सबसे पहले जो है अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। बाकी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।